ये है यामाहा FZS वर्जन 4.0 के डिलक्स वेरिएंट का नया आइस फ्लो वर्मी लोन कलर। और मेरा नाम है विशान चौधरी और आज की इस वीडियो में आपसे ये नए आइस फ्लो वर्मी लोन कलर के बारे में ही डिटेल में बात करने वाला हूँ कि जैसे कि ये FZS वर्जन 4.0 के डिलक्स वेरिएंट में नया कलर एड ऑन किया गया है तो ये कलर देखने में कैसा लगता है, कहाँ पर कैसे कलर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया है और कलर के अलावा इस मोटरसाइकिल के लिए कोई और फीचर्स भी अपडेट किए गए हैं या फिर नहीं किए गए और आज के टाइम में इसमें आपको क्या फीचर्स ऑफर करके दिए जाते हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है और अगर आप इसको खरीदने चलते हैं तो फिर ये मोटरसाइकिल आपको ऑन रोड कितने की पड़ने वाली है, यही सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। और सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल की ही बात करें तो दोस्तों फ्रंट से देखने में ये मोटरसाइकिल आपको ज्यादातर मैट ब्लैक कलर की ही नजर आएगी, क्योंकि अगर आप इसके फ्रंट वाइजर को देखेंगे, इसके मडगार्ड को देखेंगे या फिर फ्रंट सस्पेंशन को देखेंगे तो ये सभी कुछ आपको मैट ब्लैक कलर के ही दे रखे हैं और जो बॉडी कलर होता है वो बस आपको थोड़ा सा जो इसके हेडलैम्प के पास की कुछ साइड पैनल से इधर ही आपको नजर आएगा, बाकी इसका जो ये हेडलैम्प का सेटअप है इसमें आपको काफ़ी अच्छे साइज के DRLs भी दिए जाते हैं जो कि मैं अभी आपको ग्लो करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि साइड में इसमें ये DRLs ग्लो कर जाते हैं, वहीं पर इसका जो ये हेडलैम्प का सेटअप होता है ये पूरा ही आपको LED में दिया जाता है और ये सेटअप तभी ग्लो करता है जब आप ये मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर लेते हैं। वहीं पर अगर नीचे इसके टायर वगैरह के मामले में बात की जाए तो ये जो यामाहा FZ होती है इसमें आपको काफ़ी अच्छे साइज़ का टायर दिया जाता है, फ्रंट में आपको 100x80 सेक्शन का काफ़ी अच्छे साइज़ का टायर दिया जाता है। ब्रेक्स के मामले में इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक के साथ साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं और ये लाइट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये पूरी ही आपको LED में दी जाती है। वहीं पर इसके जो टर्न इंडिकेटर्स होते हैं ये भी आपको LED वाले ही दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मोटरसाइकिल में एक कमी अभी भी यामाहा वालों ने छोड़ रखी, जैसे कि इसमें आपको LED टर्न इंडिकेटर्स तो दे रखे हैं लेकिन अगर आप इसके हैंडल बार्स के कंट्रोल्स को देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको हजार्ड लैंप के लिए अलग से बटन नहीं दिया जाता। तो दोस्तों अगर इसमें हजार्ड लैंप वाला फीचर भी दिया जाता तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर रहता। वहीं पर अगर आप इसकी ये साइड प्रोफाइल के मामले में बात करते हैं तो पहले तो आपका ये फ्यूल टैंक ही हो गया जो कि आपको ये काफ़ी ऑफ वाइट, काफ़ी थोड़ा सिल्वरी, थोड़ा वाइटी स्टोन में दिया जाता है, देखने में काफ़ी नीट एंड क्लीन सा लग रहा है। स्टिकर्स वगैरह भी कोई ज़्यादा भड़कीले नहीं होते हैं। FZS की जो बैजिंग होती है वो आपको ब्लैक कलर में दी जाती है 3D वाली और थोड़े बहुत आपको रेड वाइट और ये थोड़े ब्लैक कलर के और स्टिकर्स दे दिए जाते हैं। उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो सारा का सारा ही ट्रीटमेंट आपको ज़्यादातर मैट ब्लैक कलर का नज़र आएगा जो कि देखने में काफ़ी नीट एंड क्लीन सा लगता है। और ये FZS की बैजिंग और ये वर्जन 4.0 की बैजिंग के अलावा इस मोटरसाइकिल की साइड प्रोफाइल में आपको कहीं पर भी कोई भी ज़्यादा ऐसे स्टिकर्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि इस मोटरसाइकिल में आपको कोई भी फैक्ट्री फिटेड लेग गार्ड या फिर जो आपका क्रश गार्ड होता है वैसा कुछ इस मोटरसाइकिल में आपको लगा करके नहीं दिया जाता है। वहीं पर इस मोटरसाइकिल में आपको कोई भी फैक्ट्री फिटेड लेडीज़ वाला जो फुटरेस्ट होता है वो भी नहीं दिया जाता है, ये सब आपको एज ए एसेसरी ही लगवाने होते हैं। और इसका जो ये फ्यूल टैंक है ये आपका बाकी और कलर्स की तरह ही डुअल टोन में ही दिया जाता है, मतलब कि फ्यूल टैंक का जो सेंटर का पार्ट होता है वो आपका मैट ब्लैक कलर का हो गया और जो साइड पैनल्स है वो आपके बॉडी कलर के हो गए। और ये जो आइस वेलमोन कलर है ये इस मोटरसाइकिल में सिर्फ दो ही जगह आपको नज़र आएगा, एक तो फ्यूल टैंक के पैनल्स पर हो गया और दूसरा जो इसका ये वाइज़र है यहाँ पर आपको ये हेडलैम्प के साइड में थोड़ा बहुत ये बॉडी कलर नज़र आएगा, इसके अलावा कहीं और पर ये जो आइस वेलमोन कलर है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। और फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील्स आपको ये काफ़ी ब्राइट से ऑरेंज कलर के दिए ही जाते हैं। ये जो यामाहा FZ होती है इसकी सीट काफ़ी अच्छी होती है, 150cc के हिसाब से अगर आप इस सेगमेंट में देखते हैं तो काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी कंफर्टेबल ये आपको सीट दी जाती है जिस पर दो लोगों के लिए काफ़ी अच्छे से स्पेस होता है। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी है कि लेडीज़ के लिए मोटरसाइकिल कितनी कंफर्टेबल रहती है, तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल पर आप पीछे लेडीज़ को लेडीज़ वाले पोस्चर में भी आराम से बिठा सकते हैं, लेडीज़ के लिए भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। इसका जो ग्रैब हैंडल होता है ये भी आपको काफ़ी प्रैक्टिकल दिया जाता है, काफ़ी बड़ा दिया जाता है जो कि आपको नॉर्मली होल्ड करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। वहीं पर अगर आप इसके पीछे कोई लगेज बैग टाई करना चाहते हैं तो वो भी आप इसकी मदद से काफ़ी आराम से कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप इसकी रियर प्रोफाइल के मामले में बात करते हैं तो इसकी जो रियर लाइट वगैरह है, रियर इंडिकेटर्स वगैरह, ये सब भी आपको LED में ही दिए जाते हैं। नंबर प्लेट के लिए भी अलग से एक डेडिकेटेड लाइट दी जाती है। और यहाँ पर अगर आप इसके रियर टायर वगैरह को भी देखते हैं तो इस मोटरसाइकिल के रियर में भी आपको 140 सेक्शन का काफ़ी अच्छा टायर दिया जाता है। रियर में आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया जाता है। वहीं पर इसके रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। अगर आप राइट साइड में देखते हो तो काफ़ी
ठीक ठाक साइज़ का, काफ़ी छोटे ही साइज़ का इसमें आपको एग्जॉस्ट दिया जाता है, जो कि मैट ब्लैक कलर में ही दे रखा है। देखने में ये भी काफ़ी अच्छा सा लगता है, मतलब कि काफ़ी नीट एंड क्लीन ये मोटरसाइकिल राइट और लेफ्ट दोनों ही प्रोफाइल से लगती है। फीचर्स वगैरह के मामले में हैंडल बार्स पर जो आपके कंट्रोल्स होते हैं ये सारे के सारे आपको बेसिक से ही दिए जाते हैं, जैसे कि लो बीम, हाई बीम, उसके अंदर पास स्विच, इंडिकेटर का बटन हो गया, उसके नीचे हॉर्न हो गया, काफ़ी अच्छी साउंड का हॉर्न दिया जाता है। और राइट हैंडल पर सिर्फ आपको किल स्विच दिया जाता है, उसके नीचे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन हो गया। और यहाँ पर ये जो किल स्विच वाला बटन है ये थोड़ा ज़्यादा ही देसी सा हो जाता है, देखने में कोई ज़्यादा मॉडर्न या फिर एडवांस या फिर कोई ज़्यादा हाई क्वालिटी का ये नहीं लगता है। तो यहाँ पर अगर इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज किया जाए, थोड़ा सा इसको एडवांस दिखाने की कोशिश की जाए, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पर अगर हैंडल बार्स के मामले में इस मोटरसाइकिल में हज़ार्ड लैंप जैसे फीचर्स भी एड ऑन कर दिए जाएँ तो फिर इसके कंट्रोल थोड़े से और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। वहीं पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में पहले जो ये यामाहा FZ का वर्ज़न 3 होता था उसमें काफ़ी छोटा सा और काफ़ी बोरिंग सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता था, लेकिन ये जो वर्ज़न 4 है इसमें आपको काफ़ी ठीक ठाक साइज़ का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया गया है। जैसे कि R15 के वर्ज़न 3 या फिर MT15 में भी आपको दिया जाता है, वैसा ही कुछ इस मोटरसाइकिल में भी अब आपको दे दिया गया है, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे साइज़ का स्पीडोमीटर दिया जाता है, काफ़ी बड़ा टैकोमीटर दिया जाता है, ऊपर आपकी डिजिटल क्लॉक हो गई, साइड में अगर आप देखते हैं तो फ्यूल गेज हो गया। वहीं पर अगर आप इसको थोड़ा सा टोकल करते हैं तो फिर इस मोटरसाइकिल में आपको दो दो ट्रिप मीटर दिए जाते हैं, जैसे कि अभी ये ट्रिप 2 पर है, ट्रिप 1 पर ये मोटरसाइकिल आ गई, फिर आपका मेन ऑडोमीटर हो गया। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा और टोकल करते हैं तो मैं बता रहा था ना कि इस मोटरसाइकिल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जाते हैं, तो वो आप यहीं से ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा, तो ये सब फीचर्स मोटरसाइकिल में आपको दिए जाते हैं। और उसके बाद इसमें आपको एवरेज स्पीड और ये मोटरसाइकिल 100 किलोमीटर चलने में कितने लीटर पेट्रोल खा जा रही है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी इस मोटरसाइकिल में आपको दी जाती है, मतलब कि फीचर्स के मामले में इस मोटरसाइकिल में आपको ठीक ठाक फीचर्स दे दिए जाते हैं। और इन फीचर्स के अलावा इस मोटरसाइकिल में आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी भी दी जाती है, ये मोटरसाइकिल आपकी स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हो जाती है, और उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना करके बता रखा है कि ये मोटरसाइकिल स्मार्टफोन से कैसे कनेक्ट होती है और कनेक्ट करने के बाद क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आते हैं और क्या इसकी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और इस कलर पर मैं अब अपने ओपिनियन दूँ कि ये कलर मुझे देखने में कैसा लगा। तो दोस्तों देखिए, इस मोटरसाइकिल के साथ ये कलर देखने में ओके ओके ही लग रहा है, जैसे कि ये कलर MT15 में भी आता है, पहले इस तरह की कलर थीम MT15 में ही आती थी। तो दोस्तों अगर आप उसके कंपेरिजन में इस मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो फिर जितना ये कलर MT15 के साथ अच्छा लगता है, इस मोटरसाइकिल के साथ ये कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके बराबर में MT15 भी इसी कलर में खड़ी होगी तो आपको MT15 ही देखने में इस कलर के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाकी जो ये यामाहा FZ होती है ये अपने इंजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि ये जो 150 cc का इंजन होता है ये काफ़ी रिलायबल इंजन है, यामाहा इसको काफ़ी लंबे टाइम से बना रही है, और ये मोटरसाइकिल आपको माइलेज भी अच्छा खासा निकाल करके दे देगी अगर आप इस मोटरसाइकिल को आराम से चलाते हैं तो। फिर ये मोटरसाइकिल आपको 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज आराम से देती रहेगी। और अब ये नया आइस फ्लो वर्मिलोन कलर मैंने आपको काफ़ी अच्छे से दिखा दिया है, और इस मोटरसाइकिल के जो फीचर्स हैं उनके बारे में भी काफ़ी अच्छे से आपसे बात कर ली है। और अब देखा जाए तो टेक्निकली स्पेसिफिकेशंस या फिर फीचर्स के मामले में अगर आप वर्जन 4.0 को देखते हैं तो फिर ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं जो कि पहले से आपको वर्जन 4.0 में दिया जा रहा था, वही सब कुछ इसमें भी आपको दिया जा रहा है। और इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो आपके डिस्प्ले पर भी आ रही है, आप वहाँ से भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और कीमतों के मामले में इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 1,29,000 रुपये के आसपास रखी गई है, और ऑन रोड ये मोटरसाइकिल आपको 1,55,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगी। और अब 1,55,000 रुपये की कीमतों में आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगती है, आपको ये कलर देखने में कैसा लग रहा है, वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।